आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में लॉ विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की। कल शाम जबलपुर में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वो जल्द ही केंद्रीय कानून मंत्री से मुलाकात कर इस संबंध में प्रस्ताव भेजेंगे। श्री चौहान ने कहा कि लॉ विश्वविद्यालय की स्थापना से जबलपुर और एक विशिष्ट पहचान मिलेगी। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार जमीन, फंड और जरूरी व्यवस्थाएं करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नर्मदा कैचमेंट क्षेत्र के जिलों में अगले वर्ष 2 जुलाई को एक ही दिन में 8 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने नर्मदा सेवा समितियों और आम नागरिकों का आह्वान किया है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह संकल्पित हों। श्री चौहान कल जबलपुर के भेड़ाघाट में नर्मदा सेवा यात्रा की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार गंदे मलजल को नर्मदा में मिलने से रोकने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसके लिए नर्मदा किनारे बसे शहरों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए 1400 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और यह काम मार्च से शुरू हो जाएगा। इंदौर में आगामी 3-4 जनवरी को फ्रेंड्स ऑफ एमपी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें उद्योगपति युवाओं से सीधे चर्चा करेंगे। इंदौर कमिश्नर संजय दुबे की अध्यक्षता में कल सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए निर्देश दिए गए। सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि मध्य प्रदेश पिछले 5 सालों में निवेश आकर्षित करने के मामले में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। कल नई दिल्ली में मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति पोस्ट जीएसटी पर जागरूकता से ज्ञान सत्र को संबोधित करते हुए श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक उपयोग के लिए जमीन आवंटन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि निवेशकों की सुविधा के लिए जल्द ही निवेशक एमपी पोर्टल शुरू किया जाएगा। देवास जिले में कल मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं कौशल विकास सम्मेलन का आयोजन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में होगा। इस सम्मेलन में तकनीकी एवं कौशल विकास राज्य मंत्री दीपक जोशी शामिल होंगे। सम्मेलन में विभिन्न कंपनियां हिस्सा लेंगी। वहीं होशंगाबाद जिले में 18 दिसंबर को जिला रोजगार कार्यालय के तत्वावधान में मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे। यह कंपनियां बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार देने के अवसर प्रदान करेंगी। प्रदेश भर में टीबी के नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके कारण इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। इसी कड़ी में रीवा जिले में भी 14 से 28 दिसंबर तक चुने हुए क्षेत्रों में सर्वेक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सुपरवाइजर घर घर जाकर टीबी रोगियों का सर्वेक्षण करेंगे। अनूपपुर जिले के अमरकंटक में रामघाट से 19 दिसंबर को एकात्म यात्रा का शुभारंभ होगा। इस यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांचीपुरम पीठ के शंकराचार्य जी सहित अन्य संत गण शामिल होंगे। जिला कलेक्टर अजय शर्मा ने बताया कि यात्रा का पहला पड़ाव राजेंद्र ग्राम होगा। उसके बाद 21 दिसंबर को यात्रा शहडोल के लिए रवाना होगी। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 17 दिसंबर से पर्यटन नगरी खजुराहो में आयोजित किया जाएगा। 23 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला ने मीडिया से चर्चा में बताया कि इस बार समारोह में 100 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। साथ ही फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को गौरव सम्मान तथा अभिनेता जैकी श्रॉफ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। होशंगाबाद जिले में स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग मिलकर दस्तक अभियान चलाएंगे, जिसके तहत घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों की जांच कर उनका इलाज किया जाएगा। रीवा के सैनिक स्कूल में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।
शिवपुरी जिले की नरवर नगर परिषद में आम निर्वाचन के लिए आज वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही कलेक्टर तरुण राठी की अध्यक्षता में हुई। सतना जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 में दावा राशि 10 करोड़ 29 लाख रुपए विभिन्न किसानों के खातों में आवंटित की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ।